नमस्कार। महाभारत में कथा आती है कि ययाति जब शुक्राचार्य के शाप से असमय में वृद्ध हो गए तो उन्होंने एक एक कर अपने पांच पुत्रों को बुलाया और उनसे अनुरोध किया कि वे उनकी वृद्धावस्था को ले लें और अपना यौवन कुछ समय के लिए उन्हें दे दें। सबसे बड़े बेटे यदु थे। यदु ने मना किया, ययाति ने उनको अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। यदु की संतानें यादव कहलाईं। दूसरे बेटे तुर्वसु थे। तुर्वसु ने भी स्वीकार नहीं किया अपने पिता का बुढ़ापा लेना। ययाति ने तुर्वसु को भी शाप दिया और अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। उसके पश्चात त्रुयु और अनु, इन दो बेटों ने भी अस्वीकार किया अपने पिता का वार्धक्य। पुरु ने, जो सबसे छोटा बेटा था, उसने स्वीकार किया। ये जो दूसरा बेटा है तुर्वसु, उसके संबंध में यह माना जाता है, एक पूरी परंपरा है संस्कृत साहित्य और हिंदी साहित्य की, कि तुर्वसु को जब निकाल बाहर किया गया तो वह भारत के सीमा प्रांत की ओर चला गया और उसकी संतानें तुरुष्क कहलाई। तुरुष्क शब्द का प्रयोग संस्कृत में जो इतिहास संबंधी महाकाव्य लिखे गए हैं उनमें खूब आता है। पश्चिमोत्तर प्रांत से आने वाली जातियों के लिए कल्लण ने राजतरंगिणी में भी तुरुष्क राजाओं का वर्णन किया है। अनेक राजाओं का उल्लेख उसने किया है जो कश्मीर में आए और उन्होंने यहाँ राज्य किया। तुरुष्क ही तुर्क कहलाए और तुर्क का मूल पुरुष जो इस्लाम की परंपरा है उसमें तुर्कों के मूल पुरुष का नाम ही तुर्क माना गया व नूह पैगंबर के पोते बताए गए। ये दो परंपराएं हैं और हिंदी साहित्य में भी ययाति के बेटे तुरु से तुर्कों की उत्पत्ति की बातें मिलती हैं। तुर्क की ये जो तुर्क था नूह पैगंबर का पोता, उसकी छठी पीढ़ी में मुगल खां हुए और उनकी संतानें मुगल कहलाई, इसलिए मुगल बाद में आए, तुर्क उनसे बहुत पहले के थे, पहले विद्यमान थे और महाभारत के समय वैदिक काल से ही कदाचित ईरान से, मिश्र देश से, जो हमारे बहुत प्रगाढ़ सांस्कृतिक संबंध थे, उसका वर्णन भी महाभारत में खूब मिलता है। उसकी परंपरा बाद तक जारी रही, आज़ादी के पहले तक भी तुर्क और मुगल जो यहाँ बस गए उनके साथ गहरे संबंध, सांस्कृतिक संबंध और एक संस्कृति भारत की उसके द्वारा निर्मित की जाती रही। अंग्रेजों ने सांस्कृतिक संबंधों के इस बहुत सुंदर ताने बाने को तोड़ा। उसके पहले कुछ धर्मांध लोगों ने भी उसमें तोड़फोड़ की थी और औरंगजेब खासतौर से धर्मांध मौलवियों के बहकावे में आकर अनेक कृत्य उसने इस प्रकार के किए जिससे यह जो सांस्कृतिक एकता का ताना बाना है वह विच्छिन्न हुआ। लेकिन जो बड़ी विभूतियां इस काल में पूरी एशियाई संस्कृति को एक महासंस्कृति के रूप में देख रही थी उनमें अकबर और दारा शुकोह के साथ दूसरी बहुत बड़ी विभूति अब्दुल रहीम खान खाना हैं। अब्दुल रहीम खान खाना का संस्कृत साहित्य से बहुत गहरा संबंध है। वे संस्कृत के बड़े अच्छे कवि हैं, ज्योतिष के प्रकांड पंडित हैं। त्रयस्त्रिंशद योगावली, उन्होंने संस्कृत में ज्योतिष का ग्रंथ लिखा। अनेक भाषाएं वे जानते थे, अनेक विश्व की भाषाओं में बातचीत कर सकते थे, ऐसी कथाएं उनके बारे में मिलती हैं। कम से कम चार पांच भाषाओं में तो कुशलता के साथ उन्होंने सुंदर रचनाएं की ही हैं। संस्कृत,
फारसी, उर्दू, हिंदी, अवधि और भोजपुरी का उनका बहुत अच्छा अभ्यास था। रहीम तुर्क वंश में हुए, जिसकी जड़ें कहीं ना कहीं भारत में वैदिक काल से चली आ रही हैं, यह भी कहा जा सकता है। रहीम खुद स्वीकार करते हैं कि मेवाती घराने का खून मेरे परिवार में है। इस पूरे संदर्भ में संस्कृत के दो विद्वानों ने रहीम पर बहुत अच्छा कार्य किया। एक नाहिद आबिदी संस्कृत की विदुषी हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने अब्दुल रहीम खान खाना पर संस्कृत विभाग से डीलिट की और उनकी किताब अब्दुल रहीम खान खाना और संस्कृत, संस्कृत साहित्य में रहीम, इस शीर्षक से उनकी किताब 2006 में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से छपी हुई है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण किताब खान खाना अब्दुल रहीम और संस्कृत प्रताप कुमार मिश्र की है। बहुत परिश्रम से अनेक ऐतिहासिक दस्तावेजों से संदर्भ देते हुए यह प्रबंध प्रताप कुमार मिश्र ने लिखा। इतिहास के बहुत सारे अछूते पन्ने प्रताप कुमार मिश्र की किताब से खुलते हैं। वे मुंतखाबुत तारीख, आईने अकबरी आदि इतिहास के ग्रंथों के उल्लेखों के आधार पर बताते हैं कि बाबा रामदास अकबर के सबसे सम्मानित योग्य गायकों में से एक थे और इन बाबा रामदास के बैरम खां खानखाना से बहुत आत्मीय संबंध थे, बड़े घनिष्ठ संबंध थे। बैरम खां खानखाना अब्दुल रहीम खानखाना के पिता थे। इसका उल्लेख देवी प्रसाद जी ने अपनी किताब सूरदास का जीवन चरित्र में भी किया है। सूरदास के पिता बाबा रामदास थे। आईने अकबरी में भी उनका जिक्र आता है। वो ग्वालियर के रहने वाले थे ऐसा बताया जाता है। कुछ इतिहासकारों ने शायद भूल से, जैसा कि प्रताप कुमार मिश्र बताते हैं, उनको बाबा रामदास लखनवी लिख दिया है। वे बहुत बड़े गवैये थे और उनकी गायकी की तारीफ अनेक ग्रंथों में आती है। यह भी बताया जाता है कि बैरम खां ने 100,000 टके का रोकड़ बाबा रामदास को दिया और उनको तानसेन के बराबर का गायक माना गया। बाबा रामदास जब गाते थे तो बैरम खां खानखाना की आंखों से आंसू बहते रहते थे, ये भी वर्णन आता है। ऐसे संगीत प्रेमी और फारसी साहित्य के अच्छे विद्वान बैरम खां की संतान अब्दुल रहीम खान खाना थे। उनके बारे में रुद्र कवि ने खान खाना चरितम लिखा है। रुद्र कवि अपने समय के एक अच्छे कवि थे संस्कृत के, और जैसा प्रताप कुमार मिश्र बताते हैं, केवल संस्कृत के पंडित और कवि ही नहीं, लोक भाषाओं के कवि, हिंदी के कवि, गंग कवि, जो अपने समय के बड़े कवि थे 16वीं शताब्दी के कवियों में, विदेशों से आने वाले बड़े बड़े शायर ये रहीम का नाम सुनकर के उनकी हवेली पर पहुंचते थे। भीड़ लगी रहती थी शायरों की, पंडितों की, कवियों की रहीम के घर। ये खानखाना चरितम खंड काव्य चंपू शैली में काव्य रुद्र कवि ने रहीम के संबंध में लिखा। इसमें जैसा कि प्रताप कुमार मिश्र बताते हैं, जितेंद्र विमल चौधरी जो बहुत बड़े विद्वान थे 19वीं और 20वीं शताब्दी के संस्कृत के पंडितों में,
उन्होंने सबसे पहले नवाब खान खाना चरितम संपादित करके प्रकाशित किया था। प्रताप कुमार मिश्र ने इसका दूसरा संस्करण निकाला है। रुद्र कवि ने अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र किया है जिनकी पुष्टि अन्य स्रोतों से भी होती है रहीम के बारे में। लेकिन जो एक कवि का भावोच्छ्वास है वह भी इस काव्य में प्रकट होता है। और जय जय राज समाज विभूषण विदलित भूषण गुणगण मंदिर मन्मथ सुंदर चंदन शीतल शील वशीकृत दुर्गम दुर्ग परिग्रह विग्रह पंडित दुर्गम सज्जन रंजन दुर्जन सज्जन रंजन राज विलोचन कमल विलोचन दुख विमोचन परदल शोचन शोणित वैरी यशोभर सागर परधर पर धरणिपति कुंजर गंजन सिंह किशोर कठोर कृपाण नखाग्र विदारित वैरी नराधिप मत्त मतंगज कुंभ समुद्रत कीर्ति कदम्बक मोक्ति कहार विभूषित भूमि वधू घन पीन तरोदय भूधर चरमालय मय कुछ मंडल वीर धुरंधर। शौर्य की गाथा रहीम की वह भी उतनी ही प्रसिद्ध है। युद्ध में उनकी जो रणनीति उसकी तारीफ भी उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार से उनकी साहित्य कला और संस्कृति की समझ की प्रशंसा की जाती है। प्रताप कुमार मिश्र भी बताते हैं कि रजमनामा और रामायण ये जो दो फारसी में तर्जुमे रामायण और महाभारत के करवाए थे अकबर ने, उनकी पोथियों पर चित्रकारी बहुत सुंदर चित्रकारी अकबर ने करवाई और रहीम ने भी उनकी पोथियों पर चित्र बनवाए। तुलसीदास की दो लोगों से जो अकबर के दरबारी थे बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। एक टोडरमल जिन्होंने कई बार संकटों से तुलसीदास की रक्षा भी की जब जब पाखंडियों और गुंडों के द्वारा उन पर हमले किए गए। दूसरे रहीम से उनके अच्छे स्नेहपूर्ण आत्मीय संबंध थे। रहीम पर हम विशेष कारणों से चाहते हैं कि चर्चा हो क्योंकि इतिहास के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां खड़ी की जा रही हैं हमारे इतिहास के बारे में, और एक बार तथ्यों की जांच करके इतिहास की सही सही परख होनी चाहिए। हमारे समय के एक श्रेष्ठ आचार्य और प्रखर बुद्धिजीवी विजय बहादुर सिंह इस दृष्टि से रहीम का इन दिनों विशेष अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए रहीम पर चर्चा शुरू करने के लिए हमने यह उचित समझा कि उनसे बात की जाए। रहीम से हुई बातचीत, रहीम को लेकर हुई बातचीत विजय बहादुर जी से मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आचार्य विजय बहादुर जी हमारे समय के जाने माने आचार्यों में से एक हैं। वे प्रखर विचारक हैं और हिंदी साहित्य के मूर्धन्य समीक्षकों में वे गिने जाते हैं। उनकी पहचान रही है जनवादी कविता के एक आलोचक के रूप में और हिंदी उपन्यासों पर भी वे बहुत लिखते रहे हैं। हाल के वर्षों में प्रसाद पर उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया, सोच विचार भी किया और उनकी बहुत ही अच्छी पुस्तक आई है प्रसाद पर, जिसमें उन्होंने प्रसाद के अनेक अछूते पक्षों को उजागर किया है। हमें पता चला कि पिछले कुछ समय से वे रहीम को लेकर के कुछ अध्ययन कर रहे हैं और सोच विचार भी कर रहे हैं। रहीम में मेरी भी दिलचस्पी इस दृष्टि से रही है कि रहीम ने संस्कृत में काफ़ी लिखा है और रहीम को हम स्कूल के छात्रावस्था के दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। उनके दोहों को और एक संस्कृत साहित्य के अध्येता के नाते उनको एक बड़े विद्वान के रूप में और एक संस्कृत के कवि के रूप में, एक बहुभाषाविद के रूप में, अनेक भाषाओं में रचना करने वाले एक साहित्यकार के रूप में हम जानते हैं। रहीम अपने समय को किस तरह से संबोधित करते हैं इस दृष्टि से विचार हमने नहीं किया। तुलसीदास से उनकी बड़ी प्रगाढ़ मैत्री थी। अनेक कवि अनेक भाषाओं के रहीम के पास आते रहे। वे बहुत बड़े साहित्य के आश्रयदाता थे कवियों के और अपने समय की एक शीर्षस्थ विभूतियों में से एक रहीम रहे।
आज रहीम की फिर से पहचान करने की ज़रूरत है। जैसा आज का दौर हम देख रहे हैं, मुझे इसलिए ज़रूरी लगा, उचित लगा कि विजय बहादुर जी से मैं रहीम को लेकर के जो कुछ वे सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस पर चर्चा करूं। और आगे सिलसिला चलेगा, रहीम को लेकर के हम आगे भी और भी बात करते रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि रहीम में एक रचनाकार के रूप में, एक संस्कृति कर्मी के रूप में और अपने समय के एक राजनीतिज्ञ के रूप में फिर से पहचाने जाने की बड़ी संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यह समझना चाहता था कि जैसा मैंने कहा कि आप एक जनवादी कविता के आलोचक के रूप में हम आपको जानते रहे हैं पिछले लगभग 40-50 वर्षों से, और आपने हिंदी के उपन्यासों पर बहुत अच्छे लेख लिखे हैं और आचार्य वाजपेयी के आप सुयोग्य शिष्य रहे हैं, काव्यशास्त्र पर भी आपका कार्य रहा है, लेकिन आपने कई पड़ाव तय किए एक समीक्षक के रूप में, एक अध्येता के रूप में अपनी साहित्य यात्रा के, और मैंने देखा कि पिछले कुछ वर्षों में आपने प्रसाद पर बहुत अच्छा अध्ययन किया है और आपकी चर्चित पुस्तक है प्रसाद पर, जिसमें आपने प्रसाद के बहुत सारे अछूते पहलू उजागर किए, और अब मैं देख रहा हूँ कि आप रहीम पर अध्ययन करने में लगे हुए हैं, बहुत सारी बातें रहीम की आप सामने ला रहे हैं, और रहीम इसलिए किस तरह से हमारे लिए आज प्रासंगिक हैं इसको लेकर के बहुत कुछ आपसे सुनने का मेरा मन है। तो किन कारणों से आप रहीम की ओर उन्मुख हुए और क्या संभावनाएं आप रहीम में आप देखते हैं, और कौन से तथ्य ऐसे हैं जिनको कि हम रहीम के संदर्भ में आपसे हम समझ सकते हैं, ये मैं जानना चाहता हूं, फिर आगे चर्चा करेंगे। हाँ जी, असल में हम लोग जो लेखक और या थोड़े बहुत बुद्धिजीवी भी माने जाते हैं, तो एक पूरे देश और उसकी परंपरा से जुड़ करके हम सोचते हैं, क्योंकि हम कोई हवा में नहीं सोचते। जिस तरह की स्थितियों में हम जी रहे हैं और उसके पहले जिस तरह की स्थितियों में हम जीते आए हैं, अब हमें काफी अंतर दिखाई पड़ रहा है। तो स्वभावतः एक लेखक होने के नाते और भारत के एक लेखक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि हम उन सेतुओं को खोजें जहां हमारी खाइयां कम हों और हमारी समीपता बहुत ज्यादा सघन हो। तो इस दृश्य से मेरा ध्यान कबीर पर भी गया, रहीम पर भी गया, और कबीर को भी मैंने देखा कि वो तो मैंने जिस समय पैदा हुए थे, तो मुझे सोच के बड़ा मैंने आश्चर्य हुआ और परेशानी हुई कि जो संकट तुलसीदास के साथ था कि उनको जितने दकियानूस और कठमुल्ले ब्राह्मण थे वे तुलसीदास से बेहद नाराज थे, वही हाल कबीर के साथ भी था कि जो मुल्ला मौलवी थे वे भी नाराज थे और जो ब्राह्मण थे कठमुल्ले वे भी नाराज थे। हमारी आपकी स्थिति भी इससे बहुत ज्यादा अलग नहीं है। वो सोचते हैं कि जैसा हम लोग सोचते और देखते हैं और भविष्य निर्मित करना चाहते हैं वैसा ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वैसा ये सोच क्यों नहीं रहे। लेकिन मैंने ये भी देखा त्रिपाठी जी कि जिन लोगों ने विरोध किया, बाधाएं डाली, उनका कोई जिक्र इतिहास में नहीं है, लेकिन निकल करके कबीर आ रहे हैं, रहीम आ रहे हैं, तुलसी आ रहे हैं, तो इसका कारण क्या है। तो मुझे लगा कि रहीम को पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि बचपन में तो हम लोगों को जो पाठ्यक्रम में मिलता है वो थोड़ा बहुत नीतिवत के दोहे थे, जो तो हमको लगता था शुरू में कि नहीं रहीम यही है, ये भी नहीं पता था कि वो बैरम खां के बेटे हैं, ये तो सब बाद में धीरे धीरे पता चलने लगा। तो एक प्रकार से आकर्षण बढ़ा और उस आकर्षण में फिर मैंने देखा कि रहीम तो केवल सेनापति नहीं थे, योद्धा नहीं थे, केवल नीति के दोहों को रचने वाले कवि नहीं थे, बल्कि उनका व्यक्तित्व से इससे कई गुना गुना हजार हजार गुना बड़ा था, जो हम नहीं जानते थे और जो आज के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। मसलन जैसे मैं आपसे कहूं कि वो तो जहांगीर के शिक्षक थे, अतालिक थे, मैंने जिसको प्राइवेट ट्यूटर कहते हैं, कि जहांगीर को
मैंने शिक्षा देने का काम, चाहे वो अरबी पढ़ाई हो, चाहे फारसी पढ़ाई हो, चाहे संस्कृत पढ़ाई हो, चाहे ब्रजभाषा पढ़ाई हो, ये सब शिक्षा उन्होंने दी जहांगीर से, और अकबर ने उन्होंने नियुक्त किया। लेकिन जिन लोगों से उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी, उनमें सबसे ज्यादा मान सिंह और बीरबल वगैरह भी थे, जिनको लेकर के उनके मन में बहुत गहरा आकर्षण था। और सबसे बड़ी बात, इससे भी बड़ी बात ये कि मुसलमानों से जितना, मुसलमानों का उतना आकर्षण रहीम को लेकर नहीं था जितना हिंदू समाज का था। तो मुझे लगता है कि वो जमाना जो आजकल बहुत आधुनिक नहीं माना जाता, मध्ययुगीन माना जाता है, वैसे जमाने में जो हिंदू समाज था वो किस तरह से सोचता था और हम किस तरह से सोच रहे हैं, ये जो सोचने का हमारा फर्क आया है, उसके भीतर जो राजनीति आई है और उस राजनीति ने जितना विखंडन पैदा किया है भारतीय समाज की एकता में, उसके लिए रहीम बहुत बड़े एक प्रकार से प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक पुरुष है। तो इसलिए मेरा आकर्षण गया उनकी तरफ। दूसरी बात जो एक, जब मैं खानजादा उपन्यास पढ़ रहा था, और आपने भी तो पढ़ा है जी, तो उसमें एक खास बात है, क्योंकि रहीम की शादी जो है वो जो अनगा थी, जो अकबर की धाई माँ थी, उनकी बेटी से कराया था अकबर ने, ठीक है, और उनका नाम महबानू था। तो महबानू से उनकी जो बातचीत होती है, तो उसमें महबानू ने ये कहा कि तुम्हारे बहुत सारे आचरण जो हैं वो मुसलमानों जैसे नहीं लगते। तो रहीम ने कहा कि क्यों लगेंगे, क्योंकि मैं आधा तो राजपूत हूँ और आधा मुसलमान हूँ, मुगल हूँ। तो उन्होंने पूछा कैसे, तो उन्होंने कहा हमारा जो ननिहाल है वो मेवात में है, जो राजपूतों का, खानजादों का इतिहास रहा है, खानजादों का। तो मेरा तो, मैंने तो मेरा बचपन, क्योंकि वो लोग तभी भी होली, दिवाली, तीज त्योहार, जसावत, अमावस, कृष्ण जन्माष्टमी सब मनाते हैं, वैसे कहने को मुसलमान हो गए, ठीक, तो हम वहाँ की परंपरा भी लेकर के आए। तो इसलिए तो मुझे लगा कि ये अपने लोगों को बिल्कुल नहीं पता था कि ये स्थिति रहीम की पर्सनालिटी के निर्माण। दूसरी बात यह है कि रहीम जो हैं, उन्होंने बाबर की जो आत्मकथा है उसका अनुवाद किया, बाबरनामा का। अब देखिए, उस समय अकबर के दरबार में फैजी थे, अबुल फजल थे, अकबर ने इनसे अनुवाद नहीं करवाया, रहीम को दिया। ये अरबी से फारसी में किया होगा ना? नहीं, वो अलग प्रकार की, वो मैंने ऐसी तुर्की थी, तुर्की, तो उससे अनुवाद कराया हूँ। तो उससे अनुवाद कराने में मैंने सोचा कि इन दोनों से न करा के इनसे क्यों कराया, इनसे क्यों कराया। तो उसका कारण ये था कि वो इतनी क्रिएटिव है आत्मकथा, क्योंकि अकबर, बाबर खुद बहुत बड़ा आलोचक था और शायर था, तो उन्होंने कहा कि ये दोनों तो केवल पंडित हैं, प्रसिद्ध था कविता का, ये भाषा के ज्ञानी नहीं, भाषा के ज्ञानी तो हैं लेकिन क्रिएटिव नहीं है, क्रिएटिव पर्सनालिटी जो है वो रहीम के पास है, इसलिए उसकी क्रिएटिविटी को बचाए रखने में अगर कोई व्यक्ति इन तीनों में सक्षम है तो रहीम है। तो ये भी बात हम लोगों को पता नहीं थी कि रहीम की जो क्रिएटिविटी थी वो कितने स्तरों पर जाकर अभिव्यक्त होती थी। जैसे आपने कहा वो संस्कृत के पोएट थे, उसी में मैं जोड़ देना चाहता हूँ, संस्कृत और फारसी मिला करके, वो दोनों को मिला करके शायरी लिखते थे, चार भाषाओं मिला कर, चार भाषाओं को मिला के, ऐसा प्रयोग फारसी, उर्दू और हिंदी, हाँ, मैंने एक ही छंद में वो इस तरह से करते थे। मुझे आप तो, मैंने बाद में विमर्श के पंडित हैं, आप कह सकते हैं कि किसी और दूसरे ने ऐसा किया कि नहीं किया ये प्रयोग, तो मुझे लगता है किस तरह का प्रयोग कर रहे हैं। तो वो एक जो प्रयोग धर्मिता थी, जिसको लेकर के हमारा जमाना बहुत कूदता है, उछलता है, किताब हमी प्रयोगवादी है, तो जो प्रयोग सचमुच जिसको कहते हैं वो वहाँ दिखता। तीसरी, चौथी बात ये हमको लगी रहीम में कि रहीम जो हैं वो अरबी जानते हैं, रहीम फारसी जानते हैं, रहीम संस्कृत जानते हैं, रहीम ब्रजी में लिखते हैं और रहीम अवधी में भी लिखते हैं। और मजेदार बात यह कि तुलसीदास को बता रहे हैं कि आपको भी बरवे अवधी में लिखना चाहिए, ये बात हमको नहीं मालूम थी, ये इतिहास से पढ़ के मालूम हुआ, क्योंकि तुलसीदास ने जो बरवे में रामायण लिखी वो रहीम के बाद लिखी,
उनके माने बारहवे छंद रहीम का सबसे प्रिय छंद था जो अवधि का छंद था, कहिए तो उनके ननिहाल में जो भाषा थी वो ब्रजी थी। अब अवधि कहाँ उन्होंने प्राप्त की, जब वो जौनपुर आए वहां से उन्होंने अवधि प्राप्त की। माने एक प्रकार से भाषाओं को सीखने का और उनको कोई गरज नहीं थी, उनका काम फारसी से चल सकता था क्योंकि वही एक माने दरबार की भाषा थी, शासन की भाषा थी। लेकिन वो जिस तरह से अपनी जंगोलियों को, ब्रजी को और अवधि को प्यार कर रहे थे और वो ये देख पा रहे थे कि ये दोनों भाषाएं ऐसी हैं जो इस उत्तर भारत के समस्त 72 समाज को माने अभिव्यक्त करती हैं, तो इनके प्रति वो इतिहास की जो दृष्टि थी उनकी कि वस्तुतः ये भाषाएं वह जनता की भाषाएं हैं और ये कभी मरने वाली नहीं। तो आप देख रहे हैं कि अवधि में जायसी हैं, ये तो रहीम के पहले हो चुके हैं, तुलसीदास तो उनके समकालीन थे, अवधि में लिख रहे थे, लेकिन ब्रजी में भी बहुत उनके समकालीन थे, केशवदास वगैरह वो सब लोग बाद में आते हैं, तो सब लोग वो समझ रहे थे, सूरदास जैसा बड़ा कवि ब्रजी में हो चुका था। तो उस स्थिति में मैं कहना ये चाहता हूँ कि रहीम को अपने जमाने की इतनी ज़्यादा खबर थी और अपने ज़माने के प्रति इतने ज़्यादा अति संवेदनशील थे कि वे एक ऐसी संस्कृति रच रहे थे जो संस्कृति समस्त समाजों के लिए उसी तरह लाभदायी है जिस तरह अकबर का सुलह कुल लाभदायी था, सुलह कुल जिसको दीन राय कहते हैं। तो ये भी एक खास बात मुझे लगी। और एक और खास बात जो हमको नहीं मालूम थी कि जो नायिका भेद जो उन्होंने लिखा, तो नायिका भेद के बारे में कहा जाता है कि संस्कृत में तो था लेकिन ब्रजभाषा में जो नायिका भेद उन्होंने रचा उसमें जो सीक्वेंस लिया, क्रम सूची बनाई, उसी क्रम सूची को बाद में समस्त नायिका भेद के आचार्यों ने फॉलो किया, रीतकाल के कवियों ने उसका अनुगमन किया, मैंने उसको चैलेंज नहीं किया। मैंने हम समझते हैं कि रहीम केवल एक राजनेता हैं या एक सैनिक हैं या योद्धा है, लेकिन ये खास बात नहीं है। खास बात ये है कि रहीम में वो एक क्रिएटिविटी, जो एस्थेटिक क्रिएटिविटी है वो भी है, और जिसको कहते हैं कि शास्त्रीय जो उनकी बहुत परिपक्व दृष्टि है वो भी उनके साथ है। अब कहाँ नायिका भेद भरतनाट्य का और कहाँ ये सब, और कैसे वो उठाते हैं और क्रम लगाते हैं और उसी क्रम को बाद में रीतकालीन आचार्य सरस्वती कर, ये एक बहुत मैंने बड़ी बात थी जिसको बहुत सराहा गया है रहीम को लेकर के, कि रहीम की जो सारस्वत मेधा थी वो किस कोट की थी, कि एक तरफ फारसी में उनकी गति, एक तरफ बाबर की उस भाषा में उनकी गति, दूसरी ओर संस्कृत में उनकी गति, और इसके अलावा फिर इन जन भाषाओं में उनकी गति। तो ये जो एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, जो कि मुझे मैंने सुना है कि गंग नाम के जो कवि थे वो छह भाषाओं के कवि थे, तुलसीदास को भी 4-5 भाषाएं तो आती थी। तो उस स्थिति में रहीम को भी हमको उसी कोट में रखने की जरूरत है। आज बहुत भाषा भी और वो सभी भाषाओं में अच्छी कविता करते हैं। ये जो खास बातें हैं ये हमको रहीम में लगती, मुझे लगता है कि जितना आपने कहा मैं बहुत उसको स्वीकार करता हूँ। और आपने कहा कि वो महान योद्धा राजनीतिक के, नहीं नहीं योद्धा के बारे में मैं एक बात और आपको मुझे याद आई नहीं भूल जाऊंगा कि राणा प्रताप से जो युद्ध हुआ था जिस पर जयशंकर प्रसाद ने महाराणा का महत्व किताब लिखी है, ये चिंता आपको भी थी मुझे भी थी कि अंततः क्या ये प्रसाद की कल्पना है या वस्तुतः इसके पीछे कोई हकीकत नहीं। तो अभी जब मैं पढ़ रहा था के जी राघवन की किताब, तो उसमें प्रसाद की उस किताब का महाराणा का महत्व का जिक्र है। अच्छा, कि रहीम को लेकर के और मुगलों और हिंदुओं को लेकर के संबंधों पर जो किताबें लिखी गई हैं उनमें से एक किताब जयशंकर प्रसाद ने भी लिखी है महाराणा का महत्व, राघवन ने जिक्र। हाँ, तो चीज राघवन, और वो किताब दो ही लोगों पर है, ये इन पर रहीम के पिता बैरम खां पर और रहीम पर, इन्हीं दोनों पर पूरी की पूरी इतिहास की किताब लिखी गई A to Z, वो जरूर पढ़ी जानी चाहिए। ठीक है, तो उसमें उन्होंने जो खास बात लिखी कि संस्कृत का एक कवि है
जो अमर काव्यम करके किताब लिख रहा है। और उस अमर काव्य में इस घटना का जिक्र है जिस घटना को जयशंकर प्रसाद ने वहां से उठाया, महाराणा का मार। क्योंकि हम लोग को यह पता नहीं चल रहा था कि प्रसाद जी ने यह घटना कहाँ से उठाई, इसका मतलब वो प्रसाद जी ने वहां से उस घटना को उठाया। लेकिन जब प्रसाद जी ने उठाया थी तो हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, प्रसाद जी ने इसलिए नहीं उठाया कि उन्हें उस घटना की नकल करनी थी, बल्कि प्रसाद जी वो कहना चाहते थे जो इस घटना के माध्यम से संभव था। और प्रसाद जी कहना ये चाहते थे क्योंकि रहीम ने यह कोशिश की थी कि राणा प्रताप से अकबर का युद्ध न हो, और प्रायः इस बात की कोशिश में रहते थे कि राणा प्रताप कभी पराजय का मुंह न देखे। वो क्योंकि एक स्वाभिमानी व्यक्ति है, भले ही जिसके साथ दूसरा कोई राजपूत खड़ा नहीं है, लेकिन वह कभी पराजय का मुंह न देखे। और इसीलिए जब अमर सिंह ने उनको एक दोहा भेजा था कि राजपूत सारे जो राजस्थान के हैं, राजपूताना के, वो सारे चैन और आराम से और ऐशो आराम से रह रहे हैं, एक हम हैं जो जंगल की खाक मारे मारे फिर रहे हैं, छान रहे हैं। तो रहीम ने कहा था कि अरे भाई, दोहा जवाब में दिया था कि ये धरती रहेगी लेकिन जो खुरासान से लोग आए हैं शायद वो न रहे, धर्म रहेगा और यश रहेगा, इसलिए मैं ये कामना करता हूं कि तुम लड़ते रहो। माने जिसको रहीम कह सकते थे तुम युद्ध बंद कर दो, वो तो अकबर के उससे कह रहे हैं कि तुम लड़ते रहो क्योंकि तुम्हारा यश और तुम्हारी कीर्ति बचेगी, बाकी कुछ नहीं बचेगा, पैसा नहीं बचेगा, मकान नहीं बचेगा, ये सब कुछ नहीं बचता, मनुष्य का स्वाभिमान और उसकी कीर्ति बचती है। यहाँ पहुंच करके रहीम के व्यक्तित्व के प्रति मेरे मन में ऐसी श्रद्धा उमड़ती है कि ये आदमी जीवन के मूल्यों को कहाँ से देख रहा है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी कवि या रचनाकार अगर जीवन के मूल्यों को बहुत स्पष्ट और निर्दोष दृष्टि से देख पाता है तो मैं समझता हूँ वो भारत या किसी भी देश की संस्कृति का सबसे बड़ा संरक्षक भी हो सकता है, ऐसा मेरा सोचना है त्रिपाठी जी। तो वो बात मैंने रहीम में पाई। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था कि जो आपने कहा वो एकदम दुरुस्त बात आपने कही है, और वे अनेक भाषाओं में लिख रहे हैं, अपने समय के एक यशस्वी रचनाकार हैं, कवियों के आश्रयदाता हैं, यह भी ठीक है, और अपने समय को भी समझ रहे हैं, यह भी ठीक है। मुझे लगता है कि एक सांस्कृतिक बोध रहीम में है, और अब जब हम स्कूल के दिनों के उनके दोहे फिर से याद करते हैं तो लगता है कि रहीम एक तो इतने लोकप्रिय क्यों हैं एक एक दोहा विधा की रचनाकार के रूप में, और क्या वो कर रहे हैं अपने दोहों में। वो मुसलमान हैं, फारसी में भी लिखते हैं, उर्दू में भी लिखते हैं, संस्कृत में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, ब्रज भाषा में लिखते हैं, अनेक भाषाओं में भी लिखते हैं, लेकिन जो दोहे उनके जवान पर चढ़ गए, हम लोगों के स्मृतियों में बचे रहे, तो उनमें वो भारतीय प्रतीक लेते हैं, पौराणिक आख्यान भी लेते हैं। तो जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत प्रसंग, चंदन व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। अब ये जो इमेजरी है, उपमा है, ये संस्कृत कविता की धारा से आई हुई है कि चंदन के नहीं, नहीं, मैं आपको याद दिलाऊं जी, जो उनकी भक्ति संबंधी दोहे हैं। हाँ, मैंने देखा उनको, मैं ये तलाशता रहा कहीं से इनका इस्लाम झाके कहीं नहीं झाक रहा है। हाँ, आप तुलसी के दोहों को रख दीजिए, सूरदास के पदों को रख दीजिए, जो छवि आपको इन कवियों को पढ़ते हुए कृष्ण या राम की बनती है उससे भिन्न कोई छवि नहीं बनेगी। तो उसमें रम गए हैं, रम गए हैं ये हम कह सकते हैं। और एक काम जो ये दोनों उस तरह से नहीं कर पाए, तुलसी और भले ही वो महाकाव्य लिख रहे हैं, ये भी एक प्रकार से गीतात्मक महाकाव्य ही लिख रहे हैं, लेकिन जो हमारे डे टू डे की जिंदगी है चारों तरफ। रहीम ने एक कविता लिखी है शहरनामा करके, अच्छा, और शहरनामा में स्पेशली स्पेसिफिक करके खास तरह से कि ये सब्जी बेचने वाली है, ये सराय की रखवाली करने वाली, ये भटियारिन है, ये जो है कोतवाल से प्रेम कर रही है, इस तरह की महिलाओं को, पुरुषों को जो बोझा ढो रहा है, इस तरह का जो जनजीवन का चित्रण है। अगर आपको अकबर के जमाने के लोक जीवन का
पूरा इतिहास जानना हो तो रहीम के अलावा कोई दूसरा पोएट है ही नहीं। और उसको तो मैं आपसे कहने वाला था कि हम लोगों को अलग से उस पर बातचीत करनी पड़ेगी कि रहीम ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसको तुलसीदास नहीं कर रहे हैं, सूरदास नहीं कर रहे हैं। सूरदास केवल ब्रज के गांव के बीच गोकुल से बाहर नहीं निकलते, नहीं निकलते। हम तुलसीदास जो है राम कथा के प्रसंगों से बाहर नहीं निकलते, और राम कथा और या कृष्ण कथा के दोहों को लिख जाने के बाद रहीम निकलते हैं एकदम समकाल में आना। माने जिसको कहते हैं, उस दिन मैं आप कह रहे थे एक ही शब्द आप कह रहे थे, अतिक्रामकता रहीम में ज्यादा, जैसे कि तुलसीदास में सूरदास में नहीं। ये दोनों तीनों डेडिकेटेड पोएट्स हैं अपने मने हैं और अपने एक खास प्रकार के सीमा में वो उसके उच्चतम ऊंचाइयां छूते हैं, लेकिन रहीम शिखर भी छूते हुए फिर किस तरह से लोग मानस के आसपास जनजीवन के आसपास लौटते और कब लौटते हैं जबकि वो सत्ता के साधारण व्यक्ति नहीं है। इतने असाधारण है कि अकबर के दरबार के कवि भी उनके यहाँ आश्रय लेने आते हैं। और रहीम इतने बड़े स्कॉलर हैं कि जितना बड़ा पुस्तकालय अकबर का है उससे छोटा नहीं है रहीम का पुस्तकालय। और तीसरी बात ये कि रहीम चित्रकला के भी उतने ही बड़े उस्ताद हैं, जानकार हैं, माने उसके रसिक हैं। क्योंकि एक प्रसंग मैंने पढ़ा, एक चित्रकार आया और वो दरबार जा रहे थे तो रहीम ने एक झलक मारी और उससे कहा अपने सेवकों से कि इसे रख लो चित्र को, और जब मैं दरबार से लौटूंगा तो फिर देखता हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि इसको कुछ पैसे दे दो, शायद 5 रुपये या कुछ 10 रुपये कुछ ऐसा कहा, मुझे ठीक याद नहीं आ रहा। जब वो लौटे तो उसने कहा कि वैसे तो मेरे चित्र की कोई कीमत नहीं थी, आपने इतनी कीमत लगा दी, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इस चित्र में ऐसा क्या है जो आपको बहुत मुग्ध कर दिया। तो इन्होंने कहा रहीम ने कि वो जो नायिका है, स्त्री है जो स्नानागार में बैठी हुई है और उसकी सेविका उसके तलुओं में और एणी में जो झावा लगा रही है, रगड़ रही है, उस झावे के स्पर्श से उसकी जो होठों पर मुस्कान फूट रही है, मैं उस मुस्कान के लिए तुम्हें दे। तो इतनी गहरी समझ उनकी चित्रकला की। और राहुल जी ने तो लिखा है कि वो इतने खूबसूरत खुद थे कि चित्रकार लोग उनके चित्रों को बना बना करके बेचा करते थे और लोग खरीद करके ले जाके अपने सज्जा ड्राइंग रूम में लगाया करते थे। ऐसे थे रहीम खूबसूरत। तो मेरा ये कहना है कि रहीम को जिस तरह से हम लोगों ने अब तक समझा और जाना है, जिसको कहते हैं बहुत लाइटली लेना कि हाँ वो एक कवि है, इस तरह के रहीम नहीं है। मैंने मान सिंह की चिट्ठियां मैंने देखी और उन चिट्ठियों में मान सिंह लिख रहे हैं कि आप तो इस युद्ध को बहुत जल्दी जीत सकते हैं, लेकिन आप इसलिए नहीं जीत रहे हैं कि कहीं जो मेरा सबॉर्डिनेशन है और घटा दिया जाए, सबॉर्डिनेशन बढ़ा दिया जाए, आप मेरी रक्षा में ये युद्ध नहीं जीत रहे हैं। माने रहीम क्या करते थे कि मान सिंह का कहीं अपमान न हो, मान बना रहे, उनका मान बना रहे, इसलिए अपने युद्धों में वो योद्धा बना नहीं दिखाते थे बल्कि उनको लिंगाराम करते थे, लटकाए रहते थे। ये मान सिंह की चिट्ठियां। और तानसेन के बारे में तो उन्होंने जो दोहा लिखा है वो लिखित रूप में है। तो मेरा ये कहना है। और अबुल फजल से, फैजी से, बल्कि उनके बारे में ये भी कहा जाता है त्रिपाठी जी कि जो कठमुल्ले मुसलमान थे उनसे भी वो अपनी रक्षा कैसे करते थे कि इस्लाम को पूरी तरह से वो फॉलो करते थे, लेकिन इस्लाम को फॉलो करते हुए कहीं भी वो हिंदुत्व का अपमान ना हो जाए, उसकी उपेक्षा ना हो जाए, इसका बाकायदा ध्यान रखते थे। आज के शासकों को हम देख लें, आज के लोगों को देख लें कि जिनको जरा सा अपनी सत्ता का स्वार्थ हो तो लगता है कि वो कुछ भी नष्ट कर सकते हैं, लेकिन रहीम जानते थे कि हम जिस समाज में है, जिस समाज के साथ हम रह रहे हैं, जिसके साथ हमारा तमाम तरह का रिश्ता, तो एक बड़ा जो हृदय होना चाहिए किसी कवि का, वो बड़ा हृदय जिसको विशाल हृदयता कहते हैं,
उस प्रकार की विशाल हृदयता उनके व्यक्तित्व में थी। तो एक तो हम ये देखते हैं कि एक सांस्कृतिक बोध जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसके तहत वे पौराणिक आख्यान कई बार लेते हैं अपने दोहों में, और अनेक ऐसे प्रसंग वे उठाते हैं जो कि हमको अन्यथा पता ही नहीं थे कि कहा विष्णु को घट गए जो प्रभु मारी लात। एक दोहे में वो कहते हैं, ये बड़ा दुर्लभ प्रसंग है कि प्रभु पहुंच गए विष्णु को, उन्होंने लात मार दी, बड़ा रोचक प्रसंग। लेकिन सवाल ये है कि आप तो उनको संस्कृत का कवि मान रहे हैं ना। हाँ, तो उनको तो सारी संस्कृत साहित्य भी पढ़ा हुआ है और उसको आत्मसात किया था, और संस्कृत में कविताएं बहुत अच्छी हैं। गंगाष्टकम उनका है, बहुत सुंदर लिखा है। और ये जो रहीम कर रहे हैं कि जो भारतीय भाषाओं में संवाद है, वही बात आप संस्कृत में कह रहे हैं, वही बात आप हिंदी में कह रहे हैं, शब्दावली की समानता। जैसे उनके कुछ दोहे ऐसे हैं, अच्युत चरण तरंगिनी शिव शिव महारति माल, उनको लगा कि इसको तो बड़ी आसानी से संस्कृत में रेंडर हो जाएगा, तो अच्युत चरण तरंगिनी शिव शिव महारति माले, ये उनका संस्कृत में मिलता है। इस तरह के बहुत सारे उन्होंने प्रयोग किए, और जो समरसता है भाषाओं की, उनका जो सबसे क्लासिक है जिसको कभी कभी बातचीत में चीजें भूलती है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सो, और उसको तो आप किसी से कह दीजिए झट से आदमी कहेगा कि रहीमन। हाँ, उनकी पहचान है। हाँ, ये उनकी पहचान जिसको, हाँ आपने ठीक कहा, ये उनका आइडेंटिटी दोहा, क्योंकि वहां से शुरू करते हैं रहीमन पानी राखिए। तो उस स्थिति में मेरा कहना ये है कि रहीम जो है वो मनुष्यता के माने गौरव भी है और उसके स्वाभिमान के कवि है, क्योंकि एक ऐसा प्रसंग आया जब जहांगीर गद्दी पे बैठा, तो उस गद्दी पे बैठते हुए उसने अपने कई भाइयों को इधर उधर किया और एकाध की हत्या भी की। ठीक, तो जहां रहीम से देखा नहीं गया, रहीम ने सोचा कि ये बिल्कुल इनह्यूमननेस है, तो उन्होंने एक दोहा लिखा कि ऐसे सूरज से क्या खूबसूरती आती है जब सारे तारे छुप जाते, इससे बेहतर तो चंद्रमा है कि सारे तारों के साथ उनकी रोशनी के साथ उदित होता है। जहांगीर ने, क्योंकि वो ब्रज भाषा जानता था, इन्हीं का शिष्य था, उसने कहा कि आपने ये दोहा जो लिखा है इसका मतलब क्या है। रहीम ने उसकी व्याख्या कर दी, तो जहांगीर बहुत नाराज हुआ। हाँ। और नाराज होने के बाद उसने कहा कि आपने ये लिख करके आपने मेरी तौहीन की, इसलिए मैं आपकी सारी सुविधाएं छीनता हूँ। दरबारियों ने बहुत रहीम से कहा, माफी मांग ली, कि माफी मांग ली, रहीम ने माफी नहीं मांगी। लेकिन जहांगीर ने इसके पहले पूछा था कि आपको मालूम है कि मैं क्या हूँ और आप क्या हैं, तो उन्होंने कहा वो मुझे मालूम है कि मैं आपके दरबार का दरबारी हूँ, लेकिन वो दरबारी ने यह दोहा नहीं लिखा है, ये हिंदी के कवि ने लिखा। तो रहीम जहांगीर ने फिर पूछा कि कवि और दोहा, वो कवि और दरबारी क्या अलग अलग है, तो रहीम ने कहा कि जी वो आपका जो दरबारी है वो आपके समक्ष है, लेकिन कवि हमेशा स्वतंत्र रहता है। इसलिए कालजयी संदेश हम सारे लेखकों और कवियों को रहीम ने दोहे के माध्यम से दिया कि अगर कविता लिखनी है तो सच को उसकी सीमा तक जाकर कहना है, चाहे आपका प्राण संकट में ही हो जाए। ऐसा व्यक्तित्व था रहीम का। एक सवाल ये आता है कि मुझे लगता है कि जो हमारे एक बड़े सांस्कृतिक प्रकर्ष का काल है, जैसा हम कह रहे हैं कि आप तुलसी हैं, कबीर हैं, रहीम हैं उसमें, और ये बड़े स्वप्न दृष्टा भविष्य दृष्टा कवि भी हैं अपने समय के, और एक बड़ी पीठिका सांस्कृतिक संवाद की बनाई जा रही है जिस काल में, उस काल को अब एक हमारी पराजय और दास्ता का काल कहा जा रहा है और हमारे अपकर्ष का काल कहा जा रहा है, तो इस संदर्भ में हम कैसे रहीम को समझें और कैसे अपने समय में उनकी व्याख्या करें कि जो गलत फहमियां खड़ी की जा रही, और एक खास तौर से जो दीवारें खड़ी की जा रही हैं, तो जो वास्तव में हमारी पराजय का दास्ता का काल था वो तो पिछले 200 वर्षों का, जब अंग्रेजों ने शासन किया, और जो लोग इस देश में बस गए और जिन्होंने इस संस्कृति का, इस देश की संस्कृति का उन्नयन किया और कभी अपने आप को विदेशी नहीं समझा, उनको बाहर का बता करके और एक 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 अलग तरह की छवि पूरे इतिहास की गढ़ी जा रही है, विकृत छवि। नहीं, जो अभी जो त्रिपाठी जी, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बीच में ही रोक याद दिलाना हाँ। चाहता हूँ कि कौन लोग हैं जो कर रहे हैं। हाँ। सबसे पहला सवाल ये,
अभी आपने देखा होगा ताजमहल को लेकर जो मुकदमा दायर करने वाले सज्जन थे उनसे इलाहाबाद कोर्ट ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि आप जाइए पहले कुछ पढ़िए लिखिए, एमए कीजिए, विषय में विशेषज्ञता अर्जित कीजिए, फिर पीएचडी कीजिए, और इससे कोई किसी कोई रोके आपको तो मेरे पास आइए। मतलब ये है कि कुछ लोग इस देश में, इस देश की जो विरासत है, वस्तुतः वो हिंदुत्व के नाम पर उसकी विरासत से खेलना चाहते हैं, और प्रकारांतर से वो एक ऐसा हिंदुत्व पैदा करना चाहते हैं जिससे बृहत्तर हिंदू समाज को ही उस हिंदुत्व से घृणा हो जाए, ये कोशिश हो रही है। तो उस स्थिति में वो उस जमाने को कैसे पसंद करेंगे जो जमाना मुसलमान और हिंदुओं की मैत्री का जमाना था, प्रेम का जमाना था। इससे कल्पना कीजिए कि वो अकबर जिसको लेकर के या शाहजहां को लेकर या जहांगीर को लेकर के या इन लोगों को लेकर के जिस तरह की शत्रुता पैदा की जा रही है उसके मूल में क्या है। उसके मूल में कुल हिंदुत्व तो नहीं, कुछ लोग जो सावरकर और नाथूराम गोडसे को हम लोगों की आंखों के सामने देखते देखते नेता मान चुके हैं, ऐसे हिंदुओं को आप क्या कहेंगे? तो चुनना पड़ेगा कि आपके हिंदू में गांधी आपके नेता हैं या सावरकर आपके नेता हैं, आज नहीं तो कल के भारत को इसे चुनना पड़ेगा। तो इसलिए जब हम वो चुन लेंगे, हमारा विवेक और हमारा नैतिक साहस जब सामने आएगा, तब ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि किस हिंदुत्व को बचना है। क्योंकि अगर इस हिंदुत्व को नष्ट होना था तो ये मुगल काल में क्या, ये खिलजी काल में भी नष्ट हो सकता था जब इतनी सारी राजपूत रानियों ने पद्मिनी के साथ जौहर व्रत कर लिया। हजारों बार जौहर व्रत करने वाली जातियां बच गई जिसको आप हिंदू कह रहे हैं। बहुत सारे पराजित होने वाले राजपूतों के बावजूद सोमनाथ मंदिर के कई कई बार लुट जाने के बाद भी हिंदुत्व तो बचा रहा, तो ये हिंदुत्व तो बचा रहेगा, लेकिन वो हिंदुत्व तो जरूर मिटेगा जो उसी तरह का आक्रामक हिंदुत्व तो है, और वो नष्ट होगा। क्योंकि हिंदू समाज या कोई भी समाज अंततः मूल्यों में जीना चाहता है, अपमूल्य में कोई नहीं जीना चाहता। और इसलिए कि रहीम हो, अकबर हो, या रस खान हो, या मान लीजिए बाद में चल के आने वाले मीर या गालिब हो, या हिंदी फिल्मों में जिस तरह के गीतों को लेकर हम आप फिदा होते हैं, साहिल रिजवानी हो, मजरू सुल्तानपुरी हो, नजीर हो, तो आप कैसे छोड़ देंगे? भारत ने न छोड़ा है न छोड़ेंगे। जिस इकबाल ने कभी पाकिस्तान की कल्पना की उसी इकबाल के गीत या आरएसएस वाले भी जाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इनसे पूछा जाना चाहिए कि अगर मुगलों से और इस्लाम से इतनी नफरत है तो तुम इसे क्यों गाते हो? तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ये सत्ता की राजनीति है, और इस सत्ता की राजनीति कभी कभी ऐसी होती है जबकि वो देश के बारे में कम सोचती है और अपने सिंहासनों के बारे में ज्यादा सोचती है। अभी आपने श्रीलंका में देखा वही स्थिति है, पाकिस्तान वो स्थिति घटने वाली है। तो अगर ये स्थिति होगी तो जो विशाल हिंदुत्व है जिसको आप कहते हैं असली हिंदुत्व है, जो राजा राम मोहन राय का हिंदुत्व है, रविन्द्रनाथ टैगोर का हिंदुत्व, जवाहरलाल नेहरू का हिंदुत्व, दयानंद का हिंदुत्व है, उसे हम बचाएंगे तब भी हमारे प्रतीक बने रहेंगे आज भी। और मैं समझता हूँ कि जो संकट रहीम के, तुलसी के, कबीर के उस समय थे, वे संकट अब हमारे सामने, हमारे समय में है, और इसलिए रहीम हमारे लिए अपनी प्रासंगिकता रखते हैं। तो हम समझते हैं कि बहुत अच्छी चर्चा हुई, और ये तो चर्चा आगे होती रहेगी, और आप जो सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं रहीम को, वो निश्चित रूप से सामने आएगा जब पुस्तक के रूप में, तो हमारे लिए बहुत काम का होगा। मैं इन शब्दों के साथ बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ कि अच्छी चर्चा हुई, और आगे मैं समझता हूँ कि और बात रहीम को लेकर, मतलब अभी तो बहुत सारी बातें बची रह गई हैं, क्योंकि उनके काव्य पर, उनके काव्य का जो विस्तार है, उनका जो लालित्य है, उनका जो सरल और गंभीर बयान है, उस पर तो अपन ने चर्चा ही नहीं। हाँ, अनेक भाषाओं में जो उनके काव्य हैं, अनेक भाषाओं में काम किया, अनेक भाषाओं में काम किया, और उनका जो चित्त था ये सब करने वाला, उस पर तो अपन ने चर्चा ही की। फिर कभी बैठे विस्तार से चर्चा, आज कम से कम एक शुरुआत हम लोगों ने की है, और अगर उसको लोग पसंद करते हैं तो हम लोग आगे इस दिशा में बढ़ेंगे। बिल्कुल जी, नमस्कार जी, नमस्कार।